अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लिग्रेश, आप देख रहे हैं बिजनेस आइडिया। और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही एक कमाल का बिजनेस आइडिया ले गया हूं। मैं बात कर रहा हूं जो लोग रिक्शा चलाते हैं और वो भी बुकिंग पे, वो कितने पैसे कमाते हैं, कितने कस्टमर उनको डेली में लग जाते हैं, उनकी जो एक लीटर में कितने किलोमीटर उनका रिक्शा तय करता है, कौन सा रिक्शा अच्छा है, कितने में ये रिक्शा मिलता है, अगर आप किस्तों में ले जाते हैं कितने में मिलेगा, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों बात शुरू करने से पहले को बताना चाहूँगा कि हमारा एक और भी चैनल है टेक्निकल अली के नेम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, काइंडली उसे भी आप विजिट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताइएगा। आमिर परवेज। आमिर भाई ये बताइए, आपको कितना अरसा हो गया है ये रिक्शा चलाते हुए? 6 माह हो गया। अभी आपको 6 माह हुए, आपने नई रिक्शा लिया जी। अच्छा ये बताइए, आपने ये कैश पे लिया या फिर किस्तों पे लिया? कैश पे लिया। कितने का कैश पे लिया आपने? ये 2 लाख में पड़ गया। 2 लाख में पड़ गया ये रोजगार। अगर किसी ने चिंगची लेनी हो चांदगाड़ी तो वो कितने में मिलेगी? वो किस्तों में लेंगे तो वो महंगी मिलेगी और कैश पे लेंगे तो सस्ती मिलेगी। कैश पे कितने की है? कैश में मिल जाएगी 80-85 हज़ार। 80-85 हज़ार की चिंगची भी आप ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है 2 लाख भी लगाने की, आप 80-85 हज़ार की चिंगची भी ले सकते हैं, उसमें बुकिंग हो जाती है, सारा कुछ सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा तो अभी आपने यही क्यों चूज किया, ये वाला रिक्शा रोजगार क्यों चूज किया? ये अच्छा ही है, सवारी इसमें कंफर्टेबल फील करती है। अच्छा सवारियों की सहूलत के लिए आपने ये जो है? अच्छा तो इसकी सहूलत है इसमें, अपनी भी सहूलत है। अपनी क्या सहूलत है भला? अपनी सहूलत ये है कि ठंड है, गर्दों को बाहर से बचेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, जान सही होगी तो काम करेंगे ना। बिल्कुल सही। अच्छा यहाँ पे ये बताइएगा कि आपका एक, आप अगर जाते हैं 10 किलोमीटर यहाँ से सफर तय करते हैं तो आप कितने पैसे लेंगे? 10 किलोमीटर का नहीं, इलाके का हिसाब होता है कि किस इलाके में जाना और कितनी सवारी उसके हिसाब से। ठीक है, अगर आप, हम यहाँ गोरपुर चौक में खड़े हैं। ठीक है हमें सवारी कहती है जी, हमने जाना रंगपुरा चौक में। रंगपुरा चौक यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर तो बन जाता है। हाँ जी बन जाता है, 12 किलोमीटर बनता है। 12 किलोमीटर ठीक है। तो अगर रंगपुरा चौक में जाना है तो पैसे और होंगे, अगर रंगपुरे मोहल्ले में रड़ी में जाना है या छप्पड़ मोहल्ले में जाना है तो पैसे और होंगे। बिल्कुल सही। क्योंकि रोड पे उतरना और बात होती है, गली मोहल्ले में जाना और बात होती है। अच्छा कितने चार्ज कर लेते हैं आप फिर, जो क्या नाम लेते हैं? पूरे चौक में जाने के 300 चार्ज करेंगे पूरा भर के रिक्शा से? नहीं सवारी है वो 2 चाहे 4। अच्छा आप बुकिंग भी करते हैं? मैं जाता हूं। बिल्कुल सही होगा। अच्छा तो आपकी कितने, 300 में से आपको कितने बचते हैं, कितने का पेट्रोल लगता है? ये जहाँ करती है शहर के अंदर अंदर जो है ना, ये 25 किलोमीटर करती है शहर के अंदर 25 किलोमीटर। एक जंपर, स्पीड ब्रेकर, रश, ये बहुत कमाल की यार। फिर भी एक लीटर में 25 किलोमीटर, इसका मतलब आप 2 बार रंगपुरा हो 600 रुपए आप कमा लेंगे। 75-75 रुपए का, 75 रुपए का हो गया भला पेट्रोल? 78 रुपए का। 78 रुपए रात के पड़े हैं 2 रुपए। ठीक हो गया पेट्रोल, 2 रुपए महंगा हो गया और 78 रुपए का पेट्रोल हो गया। ये 1 लीटर 78 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं और क्या नाम लेते हैं, ये 600 रुपए की राइड तय कर लेते हैं, ऐसे ही है जी। बिल्कुल सही। जरूरी नहीं होता कि सवारी कम भी, जब देखना पड़ता है ना सवारी को, इलाकों में मद्देनजर रखना पड़ता है, सारा कुछ सारी बातें ऐसी ऐसी जो। अच्छा अगर कोई फर्द करें, अगर कोई ऐसा कहते यार के मुझे वो फलां चौक में उतार देना, तो फिर वहां पे जाकर यार ये थोड़ा सा आगे मुझे कर दो बस, ये यहां पे तो आप क्या कर देते हैं? ये सवारी का तो अक्सर है वो बस कहती है वहां जाना है। हां जी हां जी, यही कहते हैं कि जी गोदपुर जाना है, ठीक है, या मुरादपुर जाना है तो मुरादपुर, ये थोड़ा सा आगे गली में, वो थोड़ा थोड़ा आगे करके वो 5-7 किलोमीटर और आगे ले जाता। ये एक बड़ी बड़ा मसला था, ये ट्रेंड होता है सवारी का, सवारी का ट्रेंड, थोड़ा सा आगे जाना है बस। बिल्कुल, थोड़ा सा करके आप शायद वो ब्रामजी मोड़ पे ले जाए आपको। बिल्कुल सही। फिर उसका आप लादा चार्ज करते हैं? नहीं लादा नहीं करते, बस गुस्सा तो आता है ना। अच्छा तो यार बोल के कहीं और जा कहीं रहे। बिल्कुल, ये जरा यार खग रहे हैं हमारे, यार है बिल्कुल हमारे जो है भाई जो रिक्शा चलाते हैं उनका जरा हयार रखा करें, उनको उतनी पेमेंट किया करें जहाँ पे आप जा रहे हैं। अगर आपने पहले तय कर लिए कि हमने यहाँ पे जाना तो फिर वहाँ की पेमेंट पे करें, तो आगे जाते हैं तो फिर पेमेंट जो है वो पे किया करें उसकी। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए आप मंथली इनकम इस रिक्शे से कितनी कमा लेते हैं? ये हवाई रोजी है। हाँ हवाई रोजी, हवाई रोजी है, लेकिन फिर भी कितनी कितनी ओवरऑल कितनी हो जाती है? मैक्सिमम आप कह रहे हैं 800 रुपया पर डे, हम गाड़ी का खर्चा निकाल के पेट्रोल निकाल के मैक्सिमम 800 रुपया जो है बचत हो जाती है, मतलब के 25-30 इसके करीब आप जाते हैं मंथ के एंड पे। बिल्कुल सही होगा, 30,000 कोई बुकिंग लग जाए तो वो बुकिंग ठीक हो गया। अच्छा वगैरह की कोई लग जाए तो वो
नौकरी लग जाए तो वो 25,000 की लादा हो जाती है। अच्छा ठीक हो गया, आपकी बुकिंग लगी नहीं अभी, बुकिंग लगी नहीं आपकी अभी, चले कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ आप ये बताइएगा कि आप जो है आपने इसकी खरीदारी कहाँ से की थी? शोरूम से। कौन से शोरूम से की थी? रमीज ये पुल है के ऊपर है। पुल है के ऊपर? हाँ, मुगल आदमास मेहरजाल के पास। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई इस रिक्शे के बिजनेस में आना चाहे तो उसको पैगाम देना चाहेंगे आप? ना ही आए तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, कोई रोजगार को माना चाह रहा है, उसके बजट में पैसे हैं कि वो रोज रिक्शा ले सके। अभी मैं आपको इनका रिक्शा का टूर भी करवाऊंगा। बात क्या है, बात यह है कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, किसी का बच्चा पाँचवीं में फेल होता है तो वो भी जो है ना उसको चिंगजी ले देते हैं। ये जो है ना ये मसला खराब है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक वो बच्चा है ऊपर से वो रोड पर चढ़ा देते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ता नहीं है तो उसको आप चांद गाड़ी दे दें। बिल्कुल, तलीम बच्चों को ज़रूर दें, तलीम इंसान का जेवर होती है। हालांकि मैंने खुद सिंपल एफ ए किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल एफ ए करके आप ये अपना बिजनेस तो है ना, ये तो है। बिल्कुल सही, बिल्कुल किसी की बात नहीं सुननी पड़ती। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अभी मैं आपको किसी का मोहताज नहीं हूँ मैं। बिल्कुल सही है, खुदा के अलावा। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी है। वो देगा कोई बात नहीं इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। अभी मैं आपको इनका थोड़ा सा रिक्शा टूर करवा देता हूँ। उन्होंने बिल्कुल अभी नया रिक्शा लिया 6 माह पहले, तो ये इनका रिक्शा टूर करवाता हूँ आपको। ये रिक्शा इनका कुछ इस तरह का, और माशाल्लाह इन्होंने सफाई रखी हुई है। सफाई रखना बहुत अहम चीज़ है, कस्टमर ये भी देखता है आपकी जो गाड़ी है वो कितनी साफ सुथरी है। ऐसी है भाईजान जी? बिल्कुल ना, बिल्कुल सही। रोज ही आप सफाई गाड़ी संभाल के रखेंगे, अपना फायदा। बिल्कुल अपना ही फायदा, कस्टमर खुश होकर बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इनका कुछ यहाँ पे मीटर वगैरह आपको देखने को मिलता है। और ये रोजगार है ना गाड़ी? साहिबा है, साहिबा मतलब उसी की प्रोडक्ट, उसी की जैसी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये वैसे काफी महंगी है, फोर स्ट्रोक है। फोर स्ट्रोक है, इसमें वो रिवर्स गियर भी है ना जी? इसकी मजदर बात ही है दोस्तों की, इसमें रिवर्स गियर भी है। थोड़ा सा बाहर मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। ये सीवा गाड़ी है और ये 2 लाख ही बता रहे थे मुझे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। फिलहाल सोचना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।